अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम जुनेद खान, खान स्ट्रीट के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, एलडीए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। फर्स्ट और सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स ऑनर हैं, जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए, उनके लिए जी व्यूअर्स, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स थे, उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस थे, वो 2 साल के इंस्टॉलमेंट में जमा करवाने थे, जिनकी ड्यू डेट 30/6/2022 थी, जो कि गुजर चुकी है। और जिन लोगों ने उस डेट्स तक अब तक जो डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करवाए, उनको फ़ाइन पड़ रहा है। और जैसा कि वो फ़ाइन काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, और एलडीए ने जो एक नोटिस जारी किया है 28 फरवरी 2023 तक, जो लोग अपने पेंडिंग जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो जमा नहीं करवाएंगे, उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो नए रेट के मुताबिक लिए जाएंगे। जो प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड बैलेट के जो डेवलपमेंट चार्जेस थे, वो 5 मरले पे 4 लाख, 10 मरले पे 6 लाख 90 हज़ार, और किनाल पे 11 लाख 50 हज़ार, 2 किनाल पे 23 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इसी तरह से जिन लोगों ने अपने ड्यूज जो पुराने डेवलपमेंट चार्जेस पुराने प्रीवियस रेट्स के मुताबिक जिन लोगों ने वो जमा नहीं करवाए, जो फ़ाइन बढ़ता रहा है लोगों का, लेकिन लोग अभी भी उनको जमा नहीं करवा रहे, तो एलडीए 28 फरवरी 2023 के बाद उनसे नए रेट्स के मुताबिक डेवलपमेंट चार्जेस लेगा। जो थर्ड बैलेट वाले प्लॉट्स हैं, उनके जो नए डेवलपमेंट चार्जेस के जो एक नए रेट्स उन्होंने दिए एलडीए ने, वो 5 मरले पे 8 लाख रुपये, 10 मरले पे 14 लाख रुपये है, और किनाल पे 23 लाख रुपये है, और 2 किनाल पे 46 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस है। जो थर्ड बैलेट वाले प्लॉट्स हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस एलडीए ने लेना स्टार्ट कर दिए हैं। थर्ड बैलेट वाले प्लॉट्स एलडीए सिटी के जिना सेक्टर में भी अवेलेबल हैं, और इकबाल सेक्टर में भी अवेलेबल हैं। इकबाल सेक्टर के AA ब्लॉक, BB ब्लॉक, CC ब्लॉक, और इसी तरह से A1, B1, G1, और इसके अलावा भी रेंडमली जो पुराने ब्लॉक्स थे जिना सेक्टर के, उनमें भी थर्ड बैलेट के प्लॉट्स बैलेट हुए थे। तो थर्ड बैलेट वाले प्लॉट्स के जो डेवलपमेंट चार्जेस की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम स्टार्ट हो गया है, इनके डेवलपमेंट चार्जेस एलडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। थर्ड बैलेट वाले प्लॉट्स अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं, जिसकी ड्यू डेट 30 मार्च 2023 है। और अगर हम बात करें फर्स्ट जो सेकेंड बैलेट के डिवेलपमेंट चार्जेस हैं, वो अभी भी टाइम है, वो फ़ाइन के साथ अपना जो डिवेलपमेंट चार्जेस है वो जमा करवा सकते हैं, जिनके चलान एलडीए के ऑफिशियल वेबसाइट ldia.gop.pk इसके ऊपर अवेलेबल है। वहां से आप अपने इंस्टॉलमेंट जो डेवलपमेंट चार्जेस के चलान है वो डाउनलोड करके अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में, पूरे पाकिस्तान में अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। और जो हमारे दोस्त भाई ओवरसीज़ हैं, वो वन लिंक के थ्रू ऑनलाइन भी अपने इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं। इसका तरीक़ेकार जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, एलडीए के ऑफिशियल वेबसाइट ldia.gop.pk इसकी साइड पे एलडीए को जो साइड पे बार होगी, जिसमें फाइल स्टेटस होगा, फाइल स्टेटस को क्लिक करते साथ ही इसके डेवलपमेंट चार्जेस की भी डिटेल आ जाती है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना फाइल नंबर, CNSE नंबर एंटर करके, अपने जो है करंट आपका जो ऑनर है उसकी डिटेल फिल करने के बाद, इसकी जो है करंट ऑनर की ऑनर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद इसके जो प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट हैं, जो अभी तक अनपेड है, उनके चलान वहाँ पे आप हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस के चलान पे किए होंगे, उनके वहाँ पे ऑलरेडी स्टेटस पेड का आ जाएगा, और जिनके जो नहीं पेड हैं, उनके वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस के चलान आ जाएंगे, वो जमा करवा के अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। जब सारी डेवलपमेंट चार्जेस की जो है कम्प्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फ़ाइन का जो चलान है वो आप एलडीए ऑफिस से फ़ाइन का चलान जमा लेकर और जमा करवा सकते हैं। किसी भी किस्म की जो क्यूरी है इससे रिलेटेड, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर +92321-5476। व्यूअर्स, किसी भी किस्म की जो है डेवलपमेंट चार्जेस को डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है, या अलाइड बैंक में जमा करवाने में परेशानी आ रही है, या दोस्त जो ऑनलाइन जमा करवाना चाह रहे हैं, वन लिंक के थ्रू उधर जमा नहीं होता, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर +92321-5476। हमारी वेबसाइट khanstate.com.pk, इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट एलडीए सिटी से रिगार्डिंग आती रहती है। आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और हमारी जो फ्रेश इन्वेंट्री है, जो प्लॉट्स हम सेल कर रहे हैं, और जो फाइलों के डेली बेसिस के रेट्स अपडेट कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे अपडेट मिल सके। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।